तो कह रही है जहां नहीं करेंगे तो ससुराल में जाके क्या खाक करेंगी। नहीं मौसी, मेरी बिटिया तो भी बहुत छोटी है। अरे कल को कुछ हो जाए तुझे तो ये बेचारी क्या करेंगी। अरे हाँ मैं भूल गई, ये लो। अच्छा मौसी, अरे मेरी नटकर राधा को क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? मुझे छोड़कर चले जाओगी? ना बच्ची, तू तो मेरे नैनों की ज्योति है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सच बोल, सच। हाँ मेरी बेटी, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चल मैं कर के, चल खाना खा। राधा आई बाबू, आ जा बेटा खाना खा ले। नहीं माँ मुझे खिलाए। जिद नहीं करते बेटा, तू खुद ही खा ले। नहीं रहने बेटी जी, अभी बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी। अच्छा रानी बेटी, तू मेरे हाथ से खाना खाएगी? हाँ। अच्छा अब मेरी राधा बेटी बड़ी हो जाएगी, ससुराल जाएगी
फिर वहाँ कौन खिलाएगा? आप खिलाएंगे। अरे ससुराल में मैं आके खाना खिलाऊंगी? हाँ। दे बेटे, अच्छा बेटे ऐसी बातें नहीं करते है ना, वहाँ अकेले खाएगी मेरे राधा बेटे। आप नहीं खिलाएंगे तो मैं उधर से नहीं खाऊंगी। अच्छा ससुराल में आके मुझे खिलाना पड़ेगा? हाँ। अच्छा पापा अभी तो खा ले। सत्य के कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे रोहित को लेकर राज्य को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ पापा? बेटा रात काफी हो गई है, अब जा सो जा, कल सुबह फिर बताएंगे। नहीं माँ सुलाएगी तो ही मैं सोऊंगी। अन्नपूर्णा तुम ले जाओ उसे सुला दो। पगली गई कि मुझे कुछ नहीं हुआ। आ मैं तुझे सुलाती आज। मेरी आंख में खटकते ये देवी की गमने बता दो। अरे इतनी रात के मंदिर का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? देखो तो मंदिर का दरवाजा कौन तोड़ रहा है? कौन हो तुम? मैं डाकू शेर सिंह। तुम चले जाओ यहाँ से। शेर सिंह के इरादे को मौत भी नहीं रोक सकती। मैं आज देवी के कहने लूट कर ही जाऊंगा। ये कहीं नहीं हो शैतान, माँ के गहने चुरा कर पेट भरना चाहता है और यहाँ डरे माँ के कोप से बचना चाहता है तो इनके गहने को हाथ मत लगाना। अरे हाथ पंडिताइन, इस पत्थर की मूर्ति का डर ये पराधी हृदय के शेर जी को दिखाती हो। अरे एक औरत होते हो मुझे डराती हो? स्वामी अब मेरे जीवन के अंतिम बेला आ गए, अब मुझे पीटा दो स्वामी। नहीं अन्नपूर्णा नहीं, ऐसा ना कहो, मुझे अंधे के जीवन में पहले से ही अंधेरा था। तुम चली गई
तो चारों तरफ अपनी बेटी राधा को कौन संभालेगा? वही संभालेगी जो सारे संसार को संभालती। माँ जगदम्बा मेरी राधा को संभालेगी स्वामी। मां आज से मैं राधा को तुम्हें सौंप रही हूँ मां, उसकी रक्षा करना उसकी। बताओ ना बापू। खा लेना। बाग की चिड़िया सुन करम गगनानी तले, मेरे बाग की चिड़िया सुन करम गगनानी तले। इस जग में रोनी पड़े किसी का जोर ना चले, मेरे बाग की चिड़िया सुन बिटिया सुन करम गगनानी तले, करम गगनानी तले। समय के कारण होता बिटिया सुख पर दुख था तेरा, बश में सबका जीवन क्या मेरा क्या तेरा, ओ जी। सब कुछ बदले जग में मगर भावी ना बदले, मेरे बाग की चिड़िया सुन ओ मेरी भोली बिटिया सुन करम गगनानी। बेटा बेटा। बापू माँ कहाँ रहती है? बेटा माँ जगदम्बा के पास। माँ जगदम्बा कहाँ रहती है? आकाश में बहुत दूर बहुत दूर। मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। बेटा बेटा वहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। मैं जाऊंगी बापू। बेटा मैं जाऊंगी। बेटा ऐसे ना बोल, बेटा ऐसे ना बोल, बेटा ऐसे ना बोल। बोल मामा, मेरी माँ किधर है? मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी ने बताया कि मेरी माँ किधर है। तू तो मेरी माँ है, बोल ना माँ मेरी माँ किधर है, बोल ना बोल ना। माँ दिक्कत है।
पक्का है। जगदम्बा तो जगत जननी है, उनकी सेवा तो करनी ही चाहिए ना। माँ मुझे भी लेता हूँ ना, मैं भी माँ की सेवा करूंगी। नहीं बेटा, तू तो अभी बहुत छोटी है, तुझे यहीं रहना होगा। माँ ये तो मेरे जीवन कुछ अच्छा नहीं लगता, मैंने तीन दिन से खाना नहीं खाया। माँ तुम्हारे लिए मुझे कौन खाना खिलाएगा? माँ बेटा तूने तीन दिन से खाना नहीं खाया, बुरी बात है। अच्छे बेटे ऐसा नहीं करते। चल मैं तुझे खिलाती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती हूँ। चल अच्छा चल। आज मेरी बिटिया रानी क्या खाएगी? अच्छा तो मेरी रानी खीर खाएगी। अभी लाती हूँ। बच्चे बड़ों की बात नहीं करते हैं। मैं भी आपकी बात मानूंगी। सिर्फ मेरी बात नहीं बेटी, अपने बापू की भी बात मानना। मानोगी ना? हाँ। अच्छा मैं अब जाऊं। तो चलो जाओगी? कब आओगी? अरे गुड्डी तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं चली आऊंगी, लेकिन रोज रोज नहीं। तुम तो जानती हो कि मुझे माँ की सेवा में मैं कितनी अच्छी बेटी। अच्छा अब सो जाओगी ना? प्रणाम माँ। रंजीव भाव पुत्र। माँ कहाँ से दबा रही हैं? पृथ्वी लोक से एकमात्र ही बालिका का दुख मुझसे देखा न गया, उसी के कारण ही मुझे जाना पड़ा। धन्य हो माँ, वो बालिका बड़ी भाग्यशाली है जिसके दुख से दुखी होकर आप स्वयं गई। आपकी कृपा के वृक्ष पर ममता के फूल सदा खिलते रहे।
फिर क्या हुआ रहा? मुझे खीर खिलाई, मैंने कपड़े पहनाए हैं और फिर मुझे सुलाकर चले गई और ये बोली कि मैं माँ की सेवा में हूँ। खीर खिलाई, नए नए कपड़े पहनाए, माँ तेरी लीला परंपार है। बेटा तू कितनी भाग्यशाली है, कितनी भाग्यशाली है। ए राधा बेटी, तूने तो सारे घर का काम संभाल लिया, भगवान तुझे सुखी रखे। ए राधा, चल लंगड़ी लंगड़ी खेले। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। नहीं बाबा नहीं, अगर मेरी टांग टूट गई तो मेरे बापू का कौन संभालेगा? अच्छा तो सब फुगड़ी खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो हम लोग फुगड़ी खेलते हैं। बस बाबा, अब तो मैं थक गई, बापू मेरी राह देखते होंगे। अब मैं कल आऊंगी। हम कल नहीं आएंगे। क्यों? कल रक्षाबंधन है ना, हम कल सब बहनें अपने भैया को राखी बांधेंगे। मैं भी अपने भैया को राखी बांधूंगी, मगर तो भाई कौन है? चलो चलो चलो, फुगड़ी खेलेंगे। चलो आपको काटा लगा है? ना, मैं निकाल दूं।
नागराज जी, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं। गणपति बप्पा, मैं आपकी पूजा करने के लिए रोज जाऊंगी। गणपति बप्पा, आप कैलाश में क्यों नहीं रहते, इस खंडन में क्यों रहते हैं? गणपति बप्पा बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो, मेरे साथ बात करो ना, करो ना, करो ना बात। नहीं करते, बोलो नहीं करते आप? नहीं करेंगे, जब तक आप बात नहीं करेंगे मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये बैठी माँ, अभी तक राधा नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई। गणपति बप्पा, आपको ये भूत से डर नहीं लगता? बेटी राधा। कौन कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, गणपति बापा। गणपति बापा कौना? मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहिए? गणपति बापा, कल रक्षाबंधन है, सब लोग अपनी भाई को राखी बांधेंगे। मेरा कोई भाई नहीं, मुझे एक भाई चाहिए। भाई चाहिए, ठीक है। कल सुबह तेरे घर आकर जो तुझे बहन कहकर पुकारेगा वो तेरा भाई होगा, समझी बेटा? मेरा भाई? बापू, बापू कल सुबह मेरा भाई आएगा। अच्छा, भाई आएगा? हाँ। बहुत अच्छा। पुत्र गणेश, जिस राधा को तुमने भाई देने का वरदान दिया था, उसी राधा की भक्ति के बंधन में बंधकर ही मैं उस दिन गई थी। सच माँ, ये वरदान की बात है। इससे भी अधिक आने की बात तो तब होगी जब तू स्वयं भाई बनकर उसके पास जाओगी। मैं जाऊंगा माँ। देख नहीं पाता, लगता है तुम बहुत सुंदर हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विनायक है। वाह वाह वाह, राधा भाई को राखी बांधो। अच्छा बापू, बांधती हूँ। राखी बांधो, आरती करो, तिलक लगाओ, मुंह मीठा कराए कि नहीं?
भाई से राखी बनवाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और इसी तरह हर रक्षाबंधन के दिन मुझसे राखी बनवाने आओगे ना? हाँ बहन, सिर्फ राखी बनवाने ही नहीं बल्कि भाई दूज का टीका लगवाने भी आऊंगा। सच भैया, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा भाई मिला। और मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी प्यारी प्यारी बहन मिली। चलो भैया। सर्वमंगलामंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी। बेटा ये सब में बांट दे। अच्छा बेटा। बापू जी। जी और बेटी। बेटा आज भाई दूज है, तुम्हारा भाई आने वाला है, याद है ना? उसे नहीं याद हो बापू, आज 15 वर्ष बीत गए हैं पर एक भी त्योहार ऐसा नहीं गया जो मेरे भाई मुझसे मिलने न आए हो। मुझे बिल्कुल याद है बापू। आइए राधा। बहन राधा। भैया आ गए। हाँ बहन। चुप चुप से क्या मेरा भाई। बापू देखो मेरा भाई आ गया। पागल नहीं बाबा, जीते रहो बेटा। अब आरती उतारो और ठीका लगाओ। जुट जुट जियो मेरे भैया। राधा दुनिया की रीत है कि आज के दिन भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ दिया करता है। बताओ आज के दिन तुम्हें क्या चाहिए? अरे वाह, बहन भाई के लिए मंगल कामना करे और उसके बदले में भाई से कुछ मांगे। छी, तुम क्या मुझे इतने स्वार्थी समझते हो? जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं बोलती। हर पगली सिर्फ नाराज होने की क्या बात है? रुक गई। अच्छा बाबा, हम कभी नहीं बोलेंगे। बस खुश हाँसो, हंस भी दो ना बाबा। सच भैया, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा भाई मिला है। अरे दे, इतनी प्रशंसा ना करो। क्यों, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? झूठ, सरासर झूठ। वास्तव में तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें तुम जैसी प्यारी बहन या मिली। बिल्कुल झूठ। हाँ? सच तो ये है कि हम दोनों भाग्यशाली हैं। आइए स्वामी ना, बहन के भाई दूज का टीका लगवा कर आ गई। स्वामी, बहन के प्रति आपका प्रेम अनंत है, अपार है। आप हमें तो भूल सकते हैं किंतु बहन को नहीं। सच बात है रिद्धि सिद्धि, भैया दूज के तिलक और रक्षा बंधन के पवित्र बंधन से भाई बहन का स्नेह का संबंध अटूट बनता है। उस बहन को कैसे भुला सकता हूँ? हमारा स्नेह संबंध अटूट है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अबे दंगल, बोलिए ठाकुर मंगल। आज हमने किसकी मटकी फोड़ी? अपने गांव के पुजारी की लड़की राधा। राधा काफी खूबसूरत फूल है, पकड़। उस काना ने उस राधा की मटकी फोड़ी थी और इस काना ने इस राधा की मटकी फोड़ी। ठाकुर साहब, मैं आप ही के गांव की लड़की, आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। हम भी तो इसी गांव के ठाकुर हैं और ये सब करना हमें शोभा देता। राधा, आज तक ठाकुर मंगल सिंह ने जिस चीज को पसंद किया है उसे हासिल करके छोड़ा है, और कसम भगवानी की तुम्हें भी हासिल करके छोड़ूंगा। खूबसूरत चिड़िया, पहचाना मुझे? कौन तू? मैं वही डाकू सेल सी हूँ जिसे तुमने 15 साल पहले गिरफ्तार करवाया था। मेरी बेटी की रक्षा करो, मेरी बेटी की रक्षा करो। माँ Thank you.
राज अब तेरे हाथ में है माँ। खास नहीं। अगर आप कहें तो आपको घर छोड़ दूं। मां अभी तक राधा नहीं आई, मेरा दिल घबरा रहा है। मां मां राधा तू आ गई बिटिया, तू आ गई। कैसी हो बेटी, अच्छी तो हो? ठीक हूँ बाबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज अगर ये न होते तो शायद मैं डाकू से नहीं बचना। जी बचाने वाला मैं कौन होता हूँ, सबकी रक्षा तो देवी माँ ही करती है। प्रणाम बाबू। जीते रहो बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम श्याम है। कहाँ के रहने वाले हो? रतनपुर का रहने वाला हूँ, ठाकुर वीरेंद्र सिंह का लड़का। अच्छा अच्छा बेटी, इनके लिए जरा जलपान दो। कोई जरूरत नहीं, वैसे देर भी बहुत हो चुकी है। और बेटा देर जब हो ही चुकी है तो रात भर रह जाओ ना, कल सुबह चलोगे ना? जी जैसे आपकी मर्जी। आपको नींद नहीं आ रही? जी मैं भी नहीं देख रही थी। आपको नींद नहीं आई? आज पहली बार किसी ने मेरी नींद चुरा ली। शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। जी नहीं नहीं अभी आने वाली भी नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी माँ को आपके पिताजी से इजाजत लेने के लिए कहूँ। इजाजत? कैसी इजाजत, मैं समझी नहीं। वैसा है बैठी ना, बैठी। क्यों ना दोनों बुजुर्ग मिलकर कुछ ऐसा रास्ता निकाल लें जिससे हम दोनों की नींद वापस लौटा। जय माँ जगदम्बे, शाम अभी तक नहीं आया। हाँ राजू कैसे हो बेटा? जय हो माँ भवानी। माँ क्या बात है, मुझसे नाराज हो? रात भर मुझे चिंता में डाले रखा, अब आया है प्यार जताने। माँ तुझे पता नहीं रात को क्या हुआ, रात को बहुत गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? एक डाकू एक लड़की को उड़ा लिए जा रहा था। अच्छा? मैंने उसकी वो धुनाई की उसे छठी का दूध याद आ गया। सच भैया? सच नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? प्रसाद। और ये लड़की का क्या हुआ, कौन है लड़की? राधा। दिखने में कैसी है? माँ बिल्कुल वैसी है जैसी तुम अपनी बहू की कल्पना करती हो। मैं चलता हूँ। राजू इधर आ, अब जल्दी से तेरे लिए भाभी ले आएंगे। राधा राधा राधा, न जाने तुमने मुझ पर क्या जादू काटा, जिधर देखता हूँ उधर कश्मीर की हूर है, चश्मे बदल है। दंगल, मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। ठाकुर साहब गर्दन ही मरोड़नी है तो मेरी क्यों, शाम की मरोड़ो ना। शाम? हाँ ठाकुर श्याम सिंह, डाकू राधा को उठा के भाग रहे थे, श्याम सिंह जाके उसको बचाया और दोनों के बीच में
दंगल। राधा अगर किसी की होगी तो सिर्फ ठाकुर मंगल सिंह की और किसी की नहीं, समझा? चल फोर। बापू आप चुप क्यों हैं इतने, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ तू बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, जितनी जल्दी तेरे हाथ पीले कर दूं तो अच्छा है। तुझे श्याम कैसा लगता है? बापू समझा, श्याम सुशील है, पढ़ा लिखा है, कल ही मैं उसकी माँ से बात करता हूँ। बेटी नहीं, सभी बातें तुम्हें कर लेना। माँ ये राधा के पिताजी। नमस्कार पुजारी जी। नमस्ते। मेरा श्याम आपकी बेटी की बड़ी प्रशंसा करता है। इसकी पसंद मेरी पसंद, इसकी इच्छा मेरी इच्छा। अच्छा माँ। अरे तू कहाँ चला, मैं तो तेरी ही शादी की बात कर रही हूँ। तू श्याम और वो राधा पुजारी जी, मुझे ये संबंध मंजूर है। माँ इतनी जल्दी में क्या है? तो ना कर दू? हाँ? मन में कुछ होठों पे कुछ। आपने मेरी राधा को बहू बनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया, तो शादी का मुहूर्त? आने वाली पूर्णिमा कैसी रहेगी? सोने में सुहागा पूर्णिमा, सब काम पूर्ण। लो, लो बेटा मुंह मीठा करो। नमस्कार पुजारी। नमस्कार। इतनी कड़कती धूप में कहाँ से आ रहे हो? रतनपुर से। अच्छा हुआ आप मिल गए, मैंने श्याम के साथ राधा का संबंध पक्का कर दिया है। संबंध पक्का कर दिया? हाँ, आने वाली पूर्णिमा के दिन विवाह भी हो जाएगा। विवाह भी हो जाएगा? पुजारी इतने बड़े घर में संबंध पक्का करने का परिणाम जानते हो? बारात में 400-500 लोग आएंगे, कहां से खिलाओगे? विदाई के वक्त लड़की को 100-200 जोड़े कपड़े तो देने ही पड़ेंगे, और फिर 50-60 तोले गहने तो मामूली बात है, ये सब कहां से आएंगे? अरे रे 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 रे, मैं तो भूल ही गया था है। तुम्हें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, देवी माँ के गहने तो उससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। बंगाल घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारा काम तो बन ही जाएगा पुजारी जी। मेरी माँ के गहने तो मिल ही जाएंगे। देवी माँ के गहने तो उससे कहीं ज्यादा कीमती है ना पुजारी? अरे देवी माँ के गहने तो उससे कहीं ज्यादा कीमती, क्यों पुजारी? जगदम्बा के जिन गहनों की रक्षा के लिए मैंने अपने प्राण गवाए, उन्हीं गहनों पर आज आप हाथ डाल रहे हो? आपने सदा सत्य और धर्म का पालन किया है स्वामी, फिर
फिर आपके मन में ये पाप क्यों आया? बोलिए स्वामी, आपके मन में ये पाप क्यों आया? कौन तो? बेटी, बेटी। बापू, क्या है बापू? बेटी, देखो तो यह कौन है? यहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं बापू। कोई नहीं? मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। बापू, पाप और तुम्हारे हाथों नहीं। तेरी शादी के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैं माँ के गहने चोरी करने आया था। मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ। बापू नहीं। क्षमा करो, क्षमा करो। अपने आप को मत कोसो बापू, इसमें तुम्हारा दोष क्या है? जीत तो अपने क्रूर समाज के कुछ ऐसे रिवाज है जो कि कितनी लड़कियों के बाप को लाचार बना देते, और ये लाचारी एक पुण्यशाली के हाथों भी पाप करवाती है। इसे अच्छा होता कि मैं जन्म लेते ही मर जाती। बापू, जन्म लेते ही मर जाती। हो रहा है भैया? अरे तुम उदास क्यों हो? अरे पगली, दो दिन बाद हमारी प्यारी बहनियां ससुराल जाएगी और हमें निमंत्रण भी नहीं। भैया, ये शादी कैसे होगी? तुम तो जानते हो कि हम। अरे पगली, तुम्हें अपने भाई पर विश्वास नहीं? अरे तुम्हारा ब्याह हम कराएंगे। समाज में बापू का सर कभी नीचा नहीं होने देंगे। बस खुश भैया। छोटे ठाकुर, आप मिलाए अपने आशिक से। आशिक? तुम क्या समझते हो कि हम कुछ नहीं जानते? हाँ दादा, इस गांव में चिड़िया के पर मारने से लेकर तुम्हारे आशिक तक हमें सब मालूम। वो मेरा भाई है। भाई? हाँ, इसीलिए तुम उसे अकेले में मिलती हो, वो भी गांव से दूर खंडर में। अरे मैं क्या बुरा हूँ, तुम तो जानते हो मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरे पास आ, देखो फिर तुम्हें खंडर में जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा महल है, हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे, रानी। तुम जैसा नीच आदमी मैंने नहीं देखा। अरे तुम क्या जानो, नारी किसी की बहन भी हो सकती है और बीवी भी। राधा, तुम अच्छी तरह जानती हो जब हम किसी चीज को पसंद कर लेते हैं तो चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए उसे हासिल करके छोड़ते हैं। अपने उस अंधे पाप को समझा दो कि हम उसे आखिरी मौका देते हैं। अगर राधा की डोली हमारे सिवा किसी और के घर गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। भैया आ गई बहन। हाँ, बड़े ठाकुर ने जब से धमकी दी है तब से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? तुम्हें तो मालूम है कि पिताजी ने शाम से मेरी शादी की बात पक्की कर ली है। लेकिन बड़े ठाकुर कहते हैं कि बाहर से अगर बारात आए तो खून की नदी बहा देंगे। बस इतनी सी बात? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम शांति से घर जाओ और उसे कह देना कि कल शाम वो हमसे यहाँ मिले, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। सच भैया? ठाकुर साहब। किसने आवाज दी? यहाँ राधा। राधा तुम? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हाय, इंतजार मतलब प्यार। देखो यहाँ कोई नहीं है, तेरी बाहों में आ जाओ। हट। इतनी जल्दी भी क्या है? गणेश मंदिर के पास खंडहर में आओगे ना? कब? शाम को, धोखा मत देना। डर बिल्कुल नहीं। हाय 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 हाय, अरे तुझे कहां से धोखा दूंगा। आऊंगा मेरी जान, जरूर आऊंगा, सर के बल आऊंगा और दूल्हा बन के आऊंगा। हाय, हाय।
राधा, मेरी राधा, प्रियतम, मुझे ये सब सपना लग रहा है। सपना? हाँ। मुझे छू कर देखो। हाँ। मैं बिल्कुल सच हूँ। हो। आओ। 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 आ जाओ। चलते हैं राजा। राजा? एक बात फिर कहो ना राजा। राजा चलो ना। मुबारक हो शादी को, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो तुम जाकर बाहर बैठो दंगल, और अंदर मत आना। जाओ। आओ रानी, आओ, आओ राधा, आओ बैठो। हाय। आप भी बैठिए। हो, हाय, हाय, हाय। अरे, आई, ओ, हाय। अबे, अबे, तूने तो कहा था बाहर बैठ, तो अंदर क्यों आ गया? उल्लू का पटा। नहीं। ये किसने मारा? अबे ये तो आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे जितनी करीब आना चाहती हूँ, तुम उतने ही दूर जा रहे हो। आज मैं कुछ पागल हो गया हूँ। मेरे सीने से लग जाओ। हाँ? तुम्हारा पागलपन दूर हो जाएगा। सच? सच, तुम्हारी कसम। आओ, आओ मेरा बहुत मत तरसाओ। आया? आओ, आया, आओ, मेरी जान आया। आया, हाय, हाय, तुम्हारा दिल कितने जोर से धड़क रहा है। सच, मैं पता नहीं कब से तरसा हुआ था इन चीजों को। हाँ, क्यों मजाक कर रही है? अरे अरे ठाकुर साहब, आपकी यह हालत देखकर लग रहा है सुहागरात क्या खूबसूरत मनाई है। वाह राधा रानी, अमाश
खबरदार अगर उस बदतमीज का नाम भी अपने मुंह पर लिया तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। जाकर उसके अंधे बाप से कह दो मैं उसके साथ हर किसी शादी नहीं करूंगा। ठाकुर साहब ये आप क्या कर रहे हो? मैं वो करूंगा जो अब तक नहीं किया। अब तक वो मुझे उंगलियों पर नचाती आई है, अब मैं उसे उंगलियों पर नचाऊंगा, उसे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। पुत्र गणेश, रिद्धि सिद्धि, कहां हो तुम लोग? प्रणाम माता जी। आयुष्मान भाव पुत्र, आज ही वास्तविक रूप त्याग के ये मानव रूप, ये ठाट बाट, कहाँ की तैयारी है, क्या बात है? ये सारी तैयारियां माता जी। सौभाग्यवती हो, पुत्र के साथ बहुएं भी सज धज कर तैयार है। कौन सा मंगल पर्व है आज? इस शुभ प्रसंग से आप भी परिचित है माता जी। सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है आप सब जानती है माता जी। माता जी आज राधा का विवाह है। राधा का विवाह? हाँ मेरी बहन के, हम सब जा रहे हैं, आज्ञा दीजिए। क्या बात है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है मेरा भाई जरूर आएगा, जरूर आएगा। पिताजी। बहन। पिताजी भैया आ गए। बहन। भैया आ गए। हाँ बहन, वचन के अनुसार आ पहुंचा हूँ। और देखो सारी दोनों भाभियों को भी लेके आया हूँ। अरे भाई मुन्ना जुलना बाद में करना, जल्दी जाओ और अपनी छोटी ननरिया का सिंगार करो, जल्दी जाओ। ढोली रुक क्यों गए, ढोल बजा ना।
मनन जी, ये रहा आपका सुहाग का जोड़ा और ये रहा कंगन और ये मंगलसूत्र। पसंद आया कि नहीं? कैसी बातें करती हो भाभी, आप लोगों की पसंद में कोई कमी हो सकती है? आप लोगों के आशीर्वाद से मिला ये जोड़ा कंगन और मंगलसूत्र, दुनिया में दूसरा नहीं मिल सकता। अरे भाई, आप लोग साथ ही करती रहेंगी या मेरा भी कोई ध्यान रखेगा? हैं, भोजन की क्या व्यवस्था है? मैं भी जाती हूँ। अरे रे बहन, तुम्हारा तो आज ब्याह है और तुम आज कोई काम नहीं करोगी, इन दोनों को साथ ही क्यों लाया हूँ? और मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाओ और भोजन की व्यवस्था करो। हाँ। चलो जाओ, जल्दी जाओ। अरे फिर क्या हुआ तुम्हें? शादी के बाद मैं ससुराल चली जाऊंगी, तो फिर हम कैसे मिलेंगे? अरे पगली, अपना संबंध तो प्रेम का अटूट बंधन है, ये तो हृदय की आखिरी धड़कन तक रहेगा। पिताजी को तुम्हारे सहारे छोड़कर सदा के लिए ससुराल जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद देने नहीं आऊंगी ना, नहीं आऊंगी ना, नहीं आऊंगी। बेटी, माँ। हाँ बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। आज से तुम्हारा नया जीवन आरंभ हो रहा है। अपने सत्कर्मों के दीपक से सदा पति का घर जगमगाना, अपनी कर्तव्य की सुगंध से हर एक के मन को महकाना, दुख सहकर भी पति की मंगल कामना करना। एक स्त्री के लिए उसका पति सर्वस्व है, वही उसके जीवन मैया का खेवनार है। सदा सुखी रहना बेटी। राधा आओ बेटा आओ। जीते रहो बेटा, सुखी रहो बहू।
मेरे श्याम ने तुम्हारी जितनी प्रशंसा की थी तुम तो उससे भी सुंदर हो। चलो लिए जा रही हैं आप सब। बधाई हो श्याम जी, बधाई हो। आप जी? मैं उसी गांव का ठाकुर मंगल सिंह जहां से आप राधा की डोली उठा कर लाए। आपसे मिलकर बड़ी खुशी। इससे ज्यादा खुशी तो आपको वो बात सुन के होगी जो मैं आपसे बताने आया हूँ। बात क्या? बात की सुहाग रात, मेरी बात आपके खानदान की बात, गुस्ताखी माफ जरा। अब साफ साफ बात कीजिए। ठाकुर हमेशा साफ साफ ही बात करते हैं। जिससे आपकी शादी हुई वो मेरी दुल्हन बनने वाली थी। अच्छा। लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि पुजारी की लड़की चरित्रवान नहीं, चरित्रहीन है। मंगल सिंह, ये नहीं हो सकता, ये झूठ, ये सच। और जानते हैं उसका संबंध किसके साथ है? उसी नौजवान के साथ जिसे उसने अपना धर्म भाई बना रखा। धर्म भाई के साथ? उसका संबंध अपने भाई के साथ है? ये मैं कैसी अनहोनी बात सुन। इसी को तो स्त्री कहते हैं, जिसे मनुष्य तो क्या देवता तक नहीं समझ सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो सांच को आंच क्या, खुद ही जाकर पूछ लीजिए। राधा से पूछिए कि वो कौन है, कहां से आता है, उसका खानदान क्या और उसके माँ बाप कौन है। श्याम जी, मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब आप अपना फर्ज निभाइए। मत छुओ मेरे पैर। स्वामी, ये अचानक आपको क्या हो गया? मेरा कोई अपराध? तुमने वो अपराध किया है जिसे कोई पुरुष सहन नहीं कर सकता। मीनार की होली जलाई है तुमने, तुमने मेरे जीवन से खिलवाड़ किया है। स्वामी मत कहो। स्वामी, जिन होठों पे पाप के अंगारे चल रहे हैं उनसे स्वामी कहना स्वामी शब्द का अपमान है। स्वामी कहना है तो जाकर उस नौजवान से कहो जिसे दुनिया के सामने तुम अपना भाई कहती हो। ऐसा न कहिए, आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन भाई बहन के पवित्र प्रेम पर कलंक न लगाइए। विनायक मेरे भाई है, हम दोनों ने भले एक माँ की कोख से जन्म न लिया हो, लेकिन मेरा धर्म माँ जगदम्बा मेरे सत्य के साक्षी है। साक्षी है तो खाओ उस धर्म और माँ जगदम्बा की कसम और कहो कि कौन है वो विनायक, कौन है उसके माता पिता, कहाँ का रहने वाला है, किस खानदान में जन्म लिया उसने, बोलो जवाब दो। मैं जानता था तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। स्वामी, बचपन में भगवान गणेश से मैंने भाई मांगा था और एक रक्षाबंधन के दिन उन्होंने ये मेरी इच्छा पूरी की थी, और तब से हर रक्षाबंधन को भाई दूज को मेरे भाई आते हैं। अपने भाई के बारे में मैं इतना ही जानती हूँ, अब तो मेरा विश्वास कीजिए। तुम मेरे विश्वास के टुकड़े कर चुकी हो। नहीं, रक्षाबंधन के दिन मेरे भाई जरूर आएंगे, बहन की लाज रखेंगे, अपना पूरा परिचय देंगे, आपकी शंका दूर कर देंगे, स्वामी दूर कर देंगे। ठीक है, शादी की पहली रात दुनिया के सामने मैं तमाशा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन कान खोल के सुन लो, जब तक तुम्हारा भाई आकर अपना पूरा परिचय नहीं देता तुम मुझे नहीं पा सकोगे, नहीं पा सकोगे। माँ दया करो, मेरे भाई जहां भी हो उन्हें चल दिया भेज दो, दया करो माँ। बहू। माँ जी, सुखी रहो बहू, पूजा कर ली जी। सरयू, लक्ष्मी बहन आ, अरुणा बहन, हंसा बहन आ, बहू इनके पैर छुओ, इनके भी। स्वामी, स्वामी थोड़ा भोजन कर लीजिए। मुझे नहीं खाना,
ऐसा न कहिए, थोड़ा खा लीजिए। देखो तुम्हारे हाथ का पका हुआ भोजन मेरे लिए जहर समान है, हटो। और ये रोना धोना बंद करो, तुम्हारे आंसुओं से मेरा दिल पिघलने वाला नहीं, और दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ठहरो गणेश। प्रणाम ब्रह्मदेव। ये मानव रूप धारण करके कहाँ जा रहे हो? पृथ्वी लोक, वहां की एक मानव कन्या को मैंने बहन बनाया है, किंतु हम भाई बहन के पवित्र प्रेम पर उसके पति ने कलंक लगा दिया है, जिसे मेरी बहन का जीवन दुखमय बन गया है। उसका दुख दूर करने और कलंक मिटाने जा रहा हूँ प्रभु। तुम उसका कलंक नहीं, उसकी मांग का सिंदूर मिटाने जा रहे हो। मांग का सिंदूर? अपनी बहन की मांग का सिंदूर? मैं? नहीं प्रभु नहीं, यह क्या कह रहे हैं? जो हमारा विधान कह रहा है उस कन्या के भाग्य में लिखा है, गणेश जी स्वयं मानव रूप धर के उसके भाई बनेंगे। किंतु जिस दिन किसी ने भाई पर शंका की और भाई ने शंका निवारण के लिए अपना परिचय दिया, अपना असली रूप दिखाया, वो दिन बहन के सुहाग का अंतिम दिन होगा। दूसरे दिन का सूर्योदय प्रभु उसका पति नहीं देख पाएगा। नहीं, बहू। अरे ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? श्याम ने कुछ कहा? पिताजी की याद आ गई। घबरा मत बहू, मैं तुझे जल्दी ही उनके पास भेज दूंगी। आइए आइए आइए। देख बहू, मैंने तेरे लिए कितने सारे गहने मंगवाए हैं, पसंद कर ले। देख तो, ये तुझे पसंद है? ये पसंद नहीं है? अच्छा ठहर जा, ये लीजिए। हाँ कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। माँ जी, मेरे गहने तो मेरे पति हैं, फिर इन सब की? हाय मैं वारी जाऊं, सुखी रहे मेरी बेटी। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब तेरी गोद भरेगी, बच्चे की किलकारी से सारा महल गूंज उठेगा, तब मैं तुझे हीरे मोतियों से लाद दूंगी। आज रक्षाबंधन का दिन है, तुम्हारी सच्चाई और विश्वास का इम्तिहान है, देखना है तुम्हारा भाई आता है या नहीं। वो जरूर आएगा, मुझे विश्वास है वो जरूर आएगा। ठीक है, ये भी देख ले। बहू, ये राखी, पूजा का थाल। माँ, आज रक्षाबंधन है, मेरे एक मुंह बोले भाई है जो हर रक्षाबंधन के दिन मुझसे राखी बंधवाने आते हैं, आज भी वो आ गए। हाँ माँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अपने भाई का अच्छी तरह से स्वागत करना, उसे खूब अच्छी तरह से खिलाना पिलाना। एक बहन के लिए उसका भाई ही तो सब कुछ है। सवेरा दोपहरी बीती, अब तो शाम है आई। बीता सवेरा दोपहरी बीती, अब तो शाम है आई। राखी के दिन पहना रोती, आए ना अब तक भाई। राखी के दिन बहना रोती, आए ना अब तक भाई। Yeah.
सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, पुरुष स्वभाव से ही शंकाशील होते हैं। भगवान राम ने क्या एक साधारण सी बात पर माता सीता की अग्नि परीक्षा नहीं ली थी? लेकिन कब तक संसार की निर्दोष नारी अग्नि परीक्षा देती रहेंगी? क्यों भैया क्यों? विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता बहन। जब तक ये संसार चक्र चलता रहेगा, मनुष्य हो या देव, सबको अपने अपने कर्मानुसार फल भुगतने ही पड़ते हैं। बहन, पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं, इसे हिम्मत नहीं हरा करते। और शाम, शाम तो प्रेम की अधिकता का प्रतीक है। घर जाओ और उनकी शंका दूर करने का प्रयत्न करो। जाओ बहन, घर जाओ। हाँ? अपने यार के साथ रंगरलिया मनाई? नहीं, मैं अपने भैया से मिलने गई थी। भैया से मिलने गई थी? ये तुम्हारा भैया 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 बहुत हो चुका। इस रक्षाबंधन के साथ तुम्हारा ये भैया बेशरम मुझे है कलमुई। मुझे क्या मालूम, मेरा बेटा एक देवी को नहीं, नहीं। नागिन को ब्याह कर रहा है। चली जाए यहाँ से। माँ जी मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष है? बेशरम, यहाँ इज्जत वाले रहते हैं, इज्जत बेचने वाले नहीं। निकल जाते यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी, आप विश्वास क्यों नहीं करते? मैं निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझे धरती की बेटी सुन, प्रेम तेरे नीर है और प्राणों में पीर है। ओ धरती की बेटी तेरी भी क्या तकदीर है। ओ धरती की बेटी तेरी भी क्या तकदीर है। जख्मी खाए चलती फिरती तस्वीर है। वो धरती की बेटी तेरी भी क्या तकदीर है। तेरी भी क्या तकदीर है। तेरी भी क्या तकदीर है। दुखिया नारी का देखो हाथी बना है भाई। देखो रे दुनिया वालों भगवान की ये चतुराई के देखो हाथी बना है भाई। पति से ठुकराई अबला का मन था जब घबराया, जंग
जंगल का गजराज एक दुखिया की मदद को आया। सीधे साधे हस्तिराज में जागी ममता माया, मन के सहायक एक बहन पर उसने प्यार लुटाया। फिर कुछ सोचा हाथी ने, फिर कुछ सोचा हाथी ने और मन ही मन मुस्काया। भारी भरकम सूंड में भर कर खास फूस बोलाया, फिर वो फक्कड़ गजराया जंगल से लक्कड़ लाया। बहना के रहने को उसने छोटा सा घर बनवाया। एक दुखिया नारी का देखो हाथी बना है भाई, देखो रे दुनिया वालों भगवान की ये चतुराई के देखो हाथी बना है भाई। जब दी बहना ने रोटी तो खा गई काया मोटी, एक भोले भाले प्राणी की देखो रे प्रेम सगाई। एक दुखिया नारी का देखो हाथी बना है भाई। पुजारी जी यही है श्याम भैया का घर। अच्छा धन्यवाद। मेरी बेटी आम खाएगी, मिठाई खाएगी। ओ राधा, राधा बेटिया, अरे कोई दरवाजा खोलता क्यों नहीं? क्यों चिल्ला चिल्ला कर हमारे घर की इज्जत को नीलाम कर रहे हो? जिस राधा से तुम मिलने आए हो उसे मैंने धक्के मार कर निकाल दिया है। निकाल दिया? निकाल दिया? क्या किया था उसने? क्या नहीं किया उसने? अपने धर्म भाई के साथ ऐसा संबंध, हमारे सारे घर की इज्जत को धूल में मिला दिया उसने। वो उल्टा है, कलंकिनी है, चरित्रहीन है। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं। मैं अपने खून को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम तो अंधे हो, तुम क्या अपने खून को पहचानोगे? निकल जाओ यहाँ। राधा, 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 राधा। बाबा आप किसे ढूंढ रहे हैं? तुमने मेरी बेटी को देखा? तुमने मेरी बेटी राधा को देखा? सामने खंडहर के पास झोपड़ी है, वहाँ राधा नाम की एक लड़की रहती है, कदाचित वही आपकी बेटी हो। उसे देखने के लिए मैं कब से तड़प रहा हूँ, उसे देखने के लिए मैं कब से व्याकुल हूँ। राधा, राधा बेटा, राधा, राधा, राधा बेटा, तुम कहाँ बेटा? राधा, राधा, अरे, अरे, ये तो कोई झोपड़ी लगती है, कोई है अंदर? अरे दरवाजा तो खोलो, दरवाजा तो खोलो। अरे कोई बोलता क्यों नहीं? मैं तुम्हारे पास बोलता हूँ। ये आंसू, ये स्पर्श, ये स्पर्श खून में कभी छिपता है? अरे तू और कोई नहीं,
मेरी राधा है, मेरी बेटी, घर चल। तो भागी की बात है बहन। सच कहती हो बहन, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया, मेरे सारे सपने धूल में मिल गए, मेरी हरी भरी गृहस्थी उजड़ गई, उजड़ गई। मेरे बाग की चिड़िया सुन करम गति नामे तले, मेरे बाग की चिड़िया सुन करम गति नामे तले, मेरे बाग की चिड़िया सुन ओ मेरी भोली बिटिया सुन करम गति नामे तले, करम गति नामे तले। गति ने हरिश्चंद्र को दिया था देश निकाला ओ जी, करम गति ने प्रभु राम को वनवासी कर डाला ओ जी, सीता ने भी दुख झेले इसी आकाश के तले, मेरे बाग की चिड़िया सुन ओ मेरी भोली बिटिया सुन, करम गति नाहि तले, करम गति नाहि तले। जब एक कौतुक देखा इस संसार के अंदर ओ जी, मीठी नदी के भाग्य में प्रभु ने लिख दिया खारा समंदर ओ जी, बेटी अपना दुखड़ा आज चुपचाप तू सहले, मेरे बाग की चिड़िया सुन ओ मेरी भोली बिटिया सुन, करम गति नाहि तले, करम गति नाहि तले। कारण होता बिटिया सुख और दुख का फेरा ओ जी, समय के वश में सबका जीवन क्या मेरा क्या तेरा ओ जी, सब कुछ बदले जग में मगर भावी बदले, मेरे बाग की चिड़िया सुन ओ मेरी भोली बिटिया सुन, करम गति नाहि तले, इस जग में रोनी पर किसी का जोर ना चले, मेरे बाग की चिड़िया सुन ओ मेरी भोली बिटिया सुन, करम गति नाहि तले, करम गति नाहि तले। बधाई हो ठाकुर साहब, बधाई हो। अरे क्या गिरता पड़ता आ रहा है, देख के नहीं चल सकता है। अरे ठाकुर साहब देख कर आ रहा हूँ, चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ गई। चिड़िया क्या पहले बुला रहा है, कौन सी चिड़िया? राधा रानी। राधा
इसका मतलब मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। अब कहां बच के जाएगी बाबा। हाय हाय, जरा इस कलयुगी सती को तो देखो। कितनी बेशरम औरत है, पति सुख के लिए व्रत पूजा कर रही है, अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। तभी तो पति ने धक्के मार के घर से निकाल दिया। आई बड़ी पूजा करने वाली, मनहूस कहीं की। चलो चलो। घबराती क्यों है? मुझसे तुम यह हालत देखी नहीं जाती। खुद को मेरा मुझे अपना बना लो, बड़ी आसानी होगी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो, रानी बनाकर रखो। शर्म नहीं आती एक शादीशुदा औरत के साथ इस तरह की बातें करते हुए? मेरे लिए तो सुनना भी पाप है। क्यों अपनी जवानी बर्बाद करती हो? एक हीरे की कद्र तो जौहरी जानता है, और उस बेवकूफ ने तो तुम्हारी कद्र भी नहीं जानी। मेरे पति के विरुद्ध एक शब्द भी न बोलना, चले जाओ यहाँ से। जाने के लिए तो आया नहीं, और अगर आया हूं तो ऐसे जाऊंगा नहीं। राधा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी बाहों में आ जाओ। छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। बदमाश। बचा। छोड़ दे मुझे बदमाश। छोड़ दे। हाँ। बचा। हाँ। छोड़ दे मुझे बदमाश। छोड़ दे। कहाँ भाग के जाएगी? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे राधा, आज नहीं छोड़ूंगा। उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो। तुम वाकई देवी हो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता, मुझे माफ कर दो। जगत जननी माँ, विधा तक क्यों ऐसा खेल खेल रहा है मेरे साथ? स्त्री जन्म के अभिशाप है। बोल माँ बोल, किस बात की सजा मिल रही है मुझे? पाप की परछाई से भी दूर रहने वाली तेरी ये बेटी को दुनिया दुनिया पापी नहीं कह रही है, और तू तू चुपचाप बैठे देख रही है। माँ क्यों? क्यों माँ? मैंने क्या किया बाबू? राधा, राधा। क्या हुआ प्राणेश्वर, आप इतनी व्याकुलता से अपनी बहन को क्यों याद कर रहे हैं? क्या बात है स्वामी? कुछ नहीं रहते सिद्धि, बहन की स्मृति से मन के तार झंझना उठे। तो आप उनके पास चले क्यों नहीं जाते? कह
कैसे जाऊं मैं अपनी बहन के पास? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्या हुआ, क्या हुआ बेटी? मैंने बीमार देखा, मुझे उनके पास जाने दीजिए बापू। मैंने सब तुझे निकाल दिया था। तो क्या हुआ बापू, निकाल देने से रिश्ते थोड़े टूट जाते हैं, और फिर शादी के बाद तो लड़के के लिए उसके पति का घर ही सब कुछ होता है बापू। अगर तूने नहीं अपनाया तो मैं उनसे भीख मांगूंगी कि मुझे अपने चरणों में जगा दे, उनकी सेवा करने का जो मेरा अधिकार है वो मुझसे न छीने बापू। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उन्हें मना लूंगी बापू। फिर भी नहीं माना तो क्या होगा? तो फिर इस घर में तो कभी वापस नहीं आऊंगी बापू। अब अगर उस घर में से निकलेगी तो सिर्फ मेरी अड़के निकलेगी बापू, सिर्फ मेरी अड़के। स्वामी, स्वामी रुक जा भाई। कल हुई तो फिर आ गई? स्वामी से मिलने आई हूँ। स्वामी? कौन स्वामी, किसका स्वामी? मेरे स्वामी। माँ जी, मैंने सपने में देखा कि वो बहुत बीमार है, एक बार सिर्फ एक बार मिलने में दीजिए। गायन, मेरे बेटे को बीमार बताती है? आप जानती है? नहीं, नहीं माँ जी। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तो लक्ष्मी, तेरी जगह कोई और होती तो डूब मरी होती। अब भी तुझ में लाज शर्म है तो जाकर कहीं डूब मर। माँ जी, जाने हमारे ही भाग्य में ऐसी कलंकनी बहू क्यों लिखी भगवान ने। भूल क्या कहेंगे। खत्म हो रहा है मेरी जिंदगी का संग्राम, अब खत्म हो रहा है मेरी जिंदगी का संग्राम। स्वीकार करो भाई मेरा आखिरी प्रणाम, मेरी आ गई है मंजिल, मेरा
जाओ राधा। क्या अनर्थ कर रही हो? आत्महत्या करना पाप है। आत्महत्या करना अगर पाप है तो मेरा जीना भी पाप है। नहीं राधा। भैया, आज तक मैं सिर्फ एक ही आशा पर जीती रही कि एक न एक दिन तुमको मेरे पर दया आएगी। तुम अपना सारा परिचय देकर मेरे माथे पर लगे हुए कलंक के टीके को पोंछ दोगे, लेकिन नहीं, मेरी आशा तो निराशा में बदल गई। अब मेरे लिए मरने के सिवा और दूसरा चारा ही क्या है? आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, ये क्या कम है जो आज मरने से रोक रहे हो? भैया राधा, धीरे से काम लो राधा, सांच को आंच नहीं। राधा, राधा, मैं तुम्हारे साथ घर चलने को तैयार हूं। भैया। हाँ राधा। भैया। आइए आइए। स्वामी स्वामी, तुम यहाँ क्यों आई हो? निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, दफा हो जाओ। नहीं स्वामी, मैं अकेली नहीं हूँ। देखिए, मेरे भाई मेरे साथ आए हैं। ओ, तो आखिर तुम आए गए? बोलो, कौन हो तुम? कहां से आए हो? कौन सा है तुम्हारा खानदान? तुम्हारे माता पिता हैं भी या नहीं, जवाब दो। जान, मेरा परिचय न जानने में ही तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई या बुराई मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम मेरे बात का साफ साफ जवाब दो। भैया, आप चुप क्यों हैं? आपकी खामोशी मेरे जीवन को अंधकार में डाल रही है। बोलिए भैया, बोलिए। शाम, मैं फिर कहता हूँ कि मेरा परिचय न जानने में ही तुम्हारी भलाई है। भूल जाओ उन बीती हुई बातों को और अपने मन की शंका को मिटा दो। और फिर कहता हूँ, मेरी बहन गंगा जल की तरह पवित्र है। तुम पवित्र के बारे में क्या जानो, झूठे पखंडी? मेरी बात का साफ साफ जवाब देने के बदले तुम मुझे नसीहत दे रहे हो। निकल जाओ। स्वामी, स्वामी। मत कहो मुझे स्वामी, उल्टा औरत। तूने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत सताया है, मैं तुझे तिजारी छोड़ रहा हूँ। श्याम, प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं भी कितना अधम और नीच हूँ। मैंने आप पे हाथ उठाया, न जाने आपको क्या क्या कह दिया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। उठो श्याम, जो सच्चे मन से प्रायश्चित कर लेता है उसके पाप स्वयं समाप्त हो जाते हैं। आपने आपने मुझे क्षमा कर दिया प्रभु। प्रभु, आप हमारे घर पधारे हैं, हमें सेवा का मौका दीजिए। प्रभु, माँ। विनायक, मेरे भाई, आज तो मेरी खुशी का कोई अंत नहीं। भैया, तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? तुमने आज मुझे रक्षाबंधन का सच्चा उपहार दिया है भैया, सच्चा उपहार दिया है। आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। तुम भी खुश हो ना भैया? ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ, तुम भी इतने ही खुश हो ना भैया? आज मेरी खुशी से तुम्हारी खुशी हुई है ना भैया? बोलो। राधा, ये आंसू खुशी के नहीं, दुख के हैं। विधाता ने तुम्हारे भाग्य में लिखा था, गणेश स्वयं मानव रूप में तुम्हारे भाई बनेंगे, किंतु जिस दिन विवश होकर वो अपना परिचय देंगे, वो दिन तुम्हारे सुहाग का अंतिम दिन होगा। भैया, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मेरी एक अंतिम प्रार्थना है। पति के साथ जब चिता की सेज पर मैं बैठूं, तो हम दोनों का अंतिम
अग्नि संस्कार करने आप आएंगे, सिर्फ आप। वचन दो भैया, वचन दो। मैं वचन देता हूँ। प्रभु है बेटी, तेरे भैया कहाँ गए? अभी अभी तो यही थे। तू चुप क्यों हो बहू? चले गए। बेटी आज तेरे कारण गणेश जी के चरण यहाँ पड़े, हम सब पावन हो गए। बहू मैंने आज तक तुझे नहीं पहचाना, तू सदेवी है। अरे तू उदास क्यों खड़ी है बहू? चल आज मैं तेरा श्रृंगार कर दूं, आज तो बड़ी खुशी की रात है, ऐसी खुशी की रात फिर कभी नहीं आएगी बहू। चल। वक्रतुंड महाकाय सूरकी समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का ये स्वरूप कितना सुंदर है, कितना दिव्य है। इनकी छाया में मन को कितनी शांति मिलती है। ये चाहता है आज की रात यहीं बिता दें। तुम बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो? क्या अभी मुझसे नाराज हो? नहीं सोनी। राधा हमारा साथ जन्म जन्म का साथ है, अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। यहां आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। कई दिनों से तुम्हारी वीरा से यह नींद मेरी आंखों में समाई हुई है, जी चाहता है तुम्हारी गोद में सो जाऊं और सोता रहूं। और अगर सुबह मेरी नींद न खुले तो मुझे जगाना मत, शायद इसी नींद में मेरी प्रेम समाधि लग जाए। सूर्यदेव रुक जाइए, अपना उदय होना रोक दीजिए। पुरिनंदन आप कैसी अनहोनी बातें कर रहे हैं? पृथ्वी पर अनादिकाल से उदय और अस्त होना ये मेरा अटल नियम है। मैं जानता हूँ, किंतु मेरी बहन के सुहाग की रक्षा के लिए आपको अपना नियम बदलना होगा। ये असंभव है पुरिनंदन, आप तो बुद्धिमान है। इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको एक दिन मरना ही होता है, इसलिए आप उसका मोह छोड़ दीजिए और मेरे मार्ग से हट जाइए, मेरा उदय होना निश्चित है। ठीक है, प्रलय होने तक मैं आपका उदय नहीं होने दूंगा। देव को मुक्त करके संसार को बचा लीजिए। रिद्धि
सिद्धि। हाँ स्वामी, सूर्योदय होने दीजिए। सूर्योदय नहीं हुआ तो सारे संसार में प्रलय आ जाएगी, विनाश हो जाएगा। हाँ स्वामी, विनाश हो जाएगा, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। होने दो, जब तक मेरी बहन पर मंडरा से दुख के बादल दूर नहीं होते तब तक मैं सूर्यदेव को मुक्त नहीं करूंगा। जाओ वापस जाओ। पिताजी, पिताजी, स्वामी अपनी हट पर खड़े हुए हैं। वो कहते हैं जब तक उनकी बहन के सौभाग्य पर छाए हुए संकट के बादल हट नहीं जाते, वो सूर्य को मुक्त नहीं करेंगे। गणेश, एक ऐसी हट। यह हट नहीं है कैलाशपति, गणेश हमारे विधान को चुनौती दे रहा है। हमारे विधान को? गणेश, शांत होइए नाथ, शांत होइए। जो कार्य प्यार से होता है वो बल से नहीं होता। हाँ देवी, आप सच कह रही है। अब आप ही गणेश को समझा सकती है। मैं? हाँ, जगत कल्याण के लिए कुछ कीजिए देवी, दया 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 कीजिए देवी। राधा बेटी, राधा, ये कैसा भाग्य है मेरा। रो मत बेटी, रो मत। माँ, क्या मुझे सारी जिंदगी इसी तरह दुख झेलना पड़ेगा? गणेश जी जिसके भाई, माँ जगदम्बा की सेवा में जिंदगी बिताने वाली तुम्हारी जैसी माँ, फिर भी मेरे दुखों का अंत क्यों नहीं है माँ? राधा, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जीवन और मृत्यु की चक्र से कोई बच नहीं सकता। बेटी, तेरी माता की मृत्यु के बाद मैंने तुझे संभाला है, लेकिन मैं तेरी माता अन्नपूर्णा नहीं हूँ। हाँ, तो अब कौन है? जानना चाहती है मैं कौन हूँ? पार्वती, माँ पार्वती। हाँ बेटी, युगों से मानव मंदिर में देवी देवताओं के आगे कुछ न कुछ मांगते आए हैं और हम उन्हें कुछ न कुछ देते आए हैं, परंतु परंतु आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। उनसे? आज्ञा कीजिए माँ, आपके संकेत पे मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। बेटी, मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए। संसार वासियों के प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हारा। बोलिए माँ, आप रुक क्यों गई? बोलिए ना। मुझे अपना सुहाग दान में दे दी। हाँ बेटी, तुम नहीं जानती, तुम्हारे भाई गणेश ने तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा के लिए सूर्यदेव को रोक रखा है। सूर्यदेव को रोक रखा है? हाँ बेटी, ये सच है कि सूर्य उदय हुआ तो तुम्हारे सुहाग का सूर्य अस्त हो जाएगा, और यदि सूर्य उदय नहीं हुआ तो संसार वासियों के जीवन का सूर्य अस्त हो जाएगा। ना। हाँ बेटी, एक ओर केवल तेरे सुहाग का प्रश्न है तो दूसरी ओर करोड़ों स्त्रियों के सुहाग का प्रश्न है। बेटी, तू अपने हठीले भाई को मना ले, उसे कह कि वो सूर्य का मार्ग छोड़ दे, उसे उगने दे। बेटी, बेटी, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, तू अपने भाई को समझा ले। नहीं माँ, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे भैया सूरज उगने दो।
संसार का कल्याण मेरे भैया, सूरज उगने दो मेरे भैया, सूरज उगने दो भैया, मेरी विनती सुनो सवेरा होने दो, सवेरा होने दो मुझे जग के लिए अपना सुहाग धन होने दो, सवेरा होने दो जब चिता सजे की भलाई के लिए तुमने सुदेव को मुक्त किया, अब मुझे भी इस जीवन से मुक्ति दे दो। सोच क्या रहे हो भैया, सीता को अग्नि दो, लगाओ भैया। भैया तुमने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, मैं अंतिम उपकार भी कर दो। भगवान करे हर बहन को तुम्हारे जैसा भाई मिले। चलो भैया।
अस्तु भव। प्रणाम मातेश्वरी, प्रणाम। बेटा गणेश, तुम्हारी और राधा की भक्ति से हम सब प्रसन्न हुए। सुखी रहो बेटी राधा, तुम्हारा और गणेश का नाम सदा अमर रहेगा। तुम दोनों भाई बहन का प्यार कोई ना भूल पाएगा। बेटी राधा। बेटा श्याम। बेटा सुखी रहो बेटी। बेटे, हर दुख के बाद सुख आता है और ये सुख माता जगदम्बा और भगवान गणेश की कृपा से मिला है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।